दोस्तों, हमारी प्रकृति इतनी ज्यादा सुंदर और रहस्यमय है कि वो हमें अक्सर कुछ न कुछ रोचक और अजीब दिखाती रहती है। इसी तरह समुद्र हमारी धरती का एक अभिन्न भाग है और वो भी अपनी गहराइयों में कुछ न कुछ रहस्यमय जरूर छिपाए रहते हैं, जो कि समय समय पर बाहर आता रहता है। फिर चाहे वो किसी रहस्यमय जीव के अवशेष हों या फिर डूबे हुए किसी जहाज का मलबा, हर चीज समुद्र से एक न एक दिन बहकर बाहर आती ही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं समुद्र से बहकर बाहर आने वाली कुछ ऐसी ही अजीब चीजों के बारे में। नंबर 10, अनएक्सप्लेन्ड मास एक्सटिंक्शन इन रशिया। दोस्तों, रूस के कमचटका पेनिनसुला के पास मौजूद समुद्र तट पे उस समय सब हैरान हो गए जब उन्होंने समुद्र से बहकर आए हजारों ऑक्टोपस और अन्य जीवों के शव वहां पड़े हुए देखे। इतना ही नहीं, उस समुद्र तट के पास का पानी भी बिना किसी रंग का हो गया था, जो कि गंदा दिखाई दे रहा था। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि उस तट पर सर्फिंग करने गए कुछ सर्फर्स के मुताबिक, जब वो वहां सर्फिंग कर रहे थे, पानी में पहुंचते ही उनकी आंखें और मुंह जलने लगे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने पानी में तेजाब मिला दिया हो, जिस वजह से अन्य लोगों ने भी वहां जाना छोड़ दिया था। हालांकि जब रशियन गवर्नमेंट द्वारा इस एरिया के पानी की जांच कराई गई, तब उन्हें पता चला कि पानी के अंदर कोई अज्ञात जहरीला केमिकल मिला हुआ है जो कि यहां मौजूद जीवों को मार रहा है। आज भी कोई वैज्ञानिक ये नहीं जानता कि आखिर ये पदार्थ पानी में उत्पन्न कैसे होता है, जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 9, अननोन क्रीचर। समुद्र से अक्सर बहुत सी चीजें बहके आती रहती हैं, जिनमें से कुछ को हम पहचान पाते हैं और कुछ हमारे और दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह जाती हैं। ऐसा ही कुछ इस इमेज में भी दिखाई दे रहा है, जो कि अभी तक वैज्ञानिकों की समझ से परे है, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि आखिर ये किस जीव का शरीर है। खैर, ये देखने में तो किसी सुअर की तरह लग रहा है, पर आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सुअर तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ये किसी एलियन स्पीसीज का अवशेष है, पर इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आप सभी को किस जीव का अवशेष लगता है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, एंशियंट वाइकिंग सोर्ड। दोस्तों, समुद्र किनारे कब किसे क्या मिल जाए, हम इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि समुद्र में किसी को कभी भी कुछ भी मिल सकता है। अब 60 साल की स्वीडिश अमेरिकन लड़की को ही देख लीजिए, जो कि एक दिन अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे खेल रही थी, तब उसे समुद्र किनारे एक ऐसी चीज मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। वेल, वो चीज थी एक वाइकिंग तलवार, जो कि करीब 4 या 5 AD के टाइम की थी। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब उस लड़की को यह तलवार मिली, तभी उसका परिवार समझ चुका था कि उनकी बेटी ने कुछ न कुछ अद्भुत खोजा है। हालांकि म्यूजियम में जाकर जांच कराने पे उन्हें पता चलता है कि ये तलवार करीब 100 साल पुरानी है, पर हाल ही में हुए अध्ययन ये बताते हैं कि ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। नंबर 7, डच बीच गोज बनाना। दोस्तों, नेदरलैंड्स के करीब सी आइलैंड पे उस समय लोग हैरान हो गए जब उन्हें किनारे के पास हजारों केले तैरते हुए दिखाई दिए, जो कि असली थे। दोस्तों, पहले तो लोगों को लगा कि ये केले किसी के द्वारा फेंके गए हैं, पर बाद में पता चला कि उनके समुद्र तट से कुछ दूर एक जहाज पलट गया था, जिस वजह से केले से भरे 2 कंटेनर खुल गए हैं, और यही कारण है कि केले पानी में तैरने लगे थे। दोस्तों, इन केलों को देखकर भारी मात्रा में लोग इस आइलैंड पे इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि हो सकता है पलटे हुए जहाज से कुछ कीमती सामान भी बहके तट पे आए। नंबर 6, नाइके इन द अजोर्स। दोस्तों, आप जब भी किसी समुद्र तट के किनारे गए होंगे, तब आपको वहां कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा। लेकिन क्या आप सभी को पता है, यूके के पास आइलैंड पे लोगों को उस वक्त हैरानी हुई जब उन्हें किनारे पे एक ओरिजिनल नाइकी देखने को मिला, जो कि शायद बहके तट पे आया था। दोस्तों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये नाइकी अपने आप समुद्र तट पे नहीं पहुंचा था, बल्कि ये तो यूके पोर्ट से निकले नाइकी शूज से भरे एक जहाज के साथ हुई दुर्घटना का नतीजा था, जिसमें सारा जहाज पानी में डूब गया था और सारे जूते भी पानी में बह गए थे। हालांकि आज ये जूते किसी काम के नहीं है, क्योंकि पानी में पड़े पड़े ये खराब हो चुके हैं। नंबर 5, मिस्टीरियस येलो स्पॉन्जेस। दोस्तों, फ्रेंच बीच पे एक बार कुछ ऐसा हुआ था जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। दरअसल, अचानक से करीब 18 मीटर लंबे किनारे पे अपने आप बहुत सारे स्पॉन्जेस बहके बाहर आ गए थे, जो कि पूरे बीच को घेरे हुए थे। इन स्पॉन्जेस के इस तरह बाहर आने के पीछे का क्या कारण था, ये आज भी कोई नहीं जानता, और यही वजह है कि ये आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि ये समुद्र में पाई जाने वाली स्पॉन्जेस से भी उत्पन्न नहीं हुए हैं। हालांकि ये समुद्र में पाए जाने वाले स्पॉन्जेस जैसे खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं है, पर ध्यान रखें कि इनके पास से बहुत ही बेकार स्मेल आती है, जो कि आपका दिमाग भी खराब कर सकती है। आज बहुत से वैज्ञानिक इन स्पॉन्जेस के उद्गम का कारण जानने में लगे हुए हैं, पर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। नंबर 4, जायंट सी पाइप्स। आज के समय में समुद्र के बीच से बहुत ही मोटे मोटे पाइप डाले जाते हैं, जो कि हजारों सैकड़ों किलोमीटर तक एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं, जिनका मुख्य काम एक देश से दूसरे देश को जोड़ना होता है। इतना ही नहीं, ये पाइप आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं
और यही वजह है कि कभी कभी समुद्र के अंदर बिछाने वाली कंपनी इन्हें लगाने में गलती कर देती है, जिस वजह से कभी कभी इस वीडियो में दिख रही घटना जैसी घटना हो जाती है। आप सभी देख सकते हैं कि करीब आधा किलोमीटर लंबा पाइप अचानक ही निफोर्व कोस्ट के किनारे पे बह के आ गया है, जो कि एक दुर्घटना की वजह से अन्य पाइपों से अलग हो गया है। इस पाइप की कुल लेंथ करीब 1570 फीट थी, जो कि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि पाइप लगाने वाली कंपनी द्वारा बाद में समुद्र में लगे सारे पाइप निकाल लिए गए, क्योंकि ये किसी भी इंसान के लिए खतरा बन सकते हैं। नंबर 3, साइबेरियन स्नोबॉल्स। साइबेरिया में समुद्र के किनारे अब तक की सबसे अजीब चीज देखी गई है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि बर्फ के बड़े बड़े गोले हैं। दोस्तों, ये किसी अज्ञात जगह से बहकर आए हैं, जो कि करीब 1 मील तक के किनारे पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। आज भी कोई नहीं जानता कि आखिर ये बर्फ के बड़े बड़े गोले किनारे पर आए कैसे हैं और इनके आने का मुख्य कारण क्या है। हालांकि अगर कोई इन बर्फ के गोलों से खेलना चाहता है, तब उसे इनसे बड़े ही ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस मुलायम बर्फ के गोलों के बीच ठोस बर्फ भी हो सकता है। नंबर 2, द इन्सडेल मॉन्स्टर। दोस्तों, समुद्र किनारे बहकर आने वाला हमारा ये अगला जीव भी उन्हीं जीवों की श्रेणी में आता है, जो कि अब तक हम सभी से अनजान हैं। इन्सडेल बीच पर आए इस अनजान जीव के शरीर पे बहुत सारे बाल मौजूद हैं, पर इसका सर मौजूद ना होने की वजह से कोई भी इसे पहचान नहीं पा रहा है। कई जानकारों द्वारा पहले तो इसे गाय समझा गया, पर जब उन्होंने देखा कि इसके शरीर पे हाथ मौजूद हैं, तब उनके द्वारा दी गई ये थ्योरी गलत साबित हुई। और शायद यही वजह है कि जब तक इसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ पता नहीं चल जाता, तब तक वो इस जीव को वेल का बच्चा ही मानेंगे। आज ये अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर इन्सडेल बीच के पास की ही एक लैब में मौजूद है, जहाँ इस पर रिसर्च चल रही है, और जब तक रिसर्च के परिणाम सामने नहीं आ जाते, तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना ना समझी होगी। नंबर 1, द सोमरटन मैन। दोस्तों, सोमरटन मैन का रहस्य ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है, क्योंकि 1948 में ऑस्ट्रेलिया के सोमरटन बीच पे अचानक से एक आदमी की डेड बॉडी बह के आ जाती है, जो कि सभी से अनजान होती है। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि उस आदमी की बॉडी खराब भी नहीं हुई थी और उसके होठों के बीच में एक सिगरेट भी फंसी हुई थी। जब इस बॉडी को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया, तब उन्हें भी इस बॉडी से कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला, जिस वजह से ये सभी के लिए अनजान व्यक्ति बन गया। और तभी से लेकर आज तक ये सबके लिए एक रहस्य बना हुआ है, जिसे कोई नहीं सुलझा सका है। हालांकि आज भी डॉक्टर, वैज्ञानिक और बहुत से खोजकर्ता ये जानने में लगे हुए हैं कि आखिर ये आदमी है कौन, इसकी मौत कैसे हुई थी, ये कहाँ का रहने वाला था और इसके परिवार का क्या हुआ। खैर, हाल ही में एक डीएनए टेस्ट से ये पता चला है कि ये आदमी अमेरिका का मूल निवासी था, जिस वजह से ये एक और बड़ा रहस्य बन चुका है, क्योंकि अब एक नया सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये बीच पे आया कैसे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।